वेलकम बैक टू क्या फ्रेंड्स अगर आप नया इलेक्ट्रॉनिक काम कर लिया कभी भी आप जैसे मान लीजिए एम फ्रीपायर रिपेयर करती है होम थिएटर या होम थिएटर टावर होम थिएटर वो रिपेयर होता है उसके बाद उसकी आवाज़ जो होती है वो फटने लगती है ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स आप लोग तो सोचते हैं कि जितने एम का अगर ट्रांसफार्मर निकला उतने एम का लगा दिया और इसमें आप अगर कम एम पी अगर ट्रांसफारमर तब भी आवाज़ फटने की दिक्कत होती है तो अब मैं चाहता आज की वीडियो में सब बताऊँगा कि आपको क्या कितने एम का लगाना चाहिए आपकी आवाज़ नहीं फटेगी आवाज़ दम क्लियर आएगी तो वीडियो आज से वॉच कीजिएगा और चाय पे अगर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा कल लगता है चल चुका है मैं आपको थेटी का बताया था मैं देखिए कभी भी आप कोई होम थिएटर रिपेयर करते हैं मान लीजिए ओरिजिनल होम थिएटर जैसे फिलिप्स या जेबलॉनिक जो भी होता है उसका है। उसमें अगर दो एम का ट्रांसफॉमर लगा रहा है आपका दो एम का आपका ट्रांसफार्मर लगा है तो आप के आप छोटे कि दो एम का ट्रांसफार्मर एम पी का वापस ला के डाल देते हैं लेकिन आपको ओरिजिनल ट्रांसफार्मर तो मिलता नहीं है आप लोग जानते हैं ओरिजनल फॉर्म बहुत महंगा आता है लोकल ट्रांसफॉर्म लगता है अगर आप लोग काम करते तो तो देखिए आप कभी भी अगर दो एम का ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है आप सोचते कि दो एम का लोकल ट्रांसफार्मर आता है इस तरह में दिखाता हूँ मैं दो एम पी का लोकल ट्रांसफॉर्मर आता है या आप सोचते कि यही दो एम का ट्रांसफॉर्मर लगा friend, दो एम पी का ट्रांसफॉर्मर लगाते होता है लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करते हैं क्यों क्योंकि फ्रेंस जो दो एम का जो ओरिजिनल ट्रांसफर होता है पूरा प्योर दो एम पी है लेकिन जो लोकल ट्रांसफॉर्म दो एम होता है वो उसका एम पी कम नहीं दो एम पी ए लिखा होता है कि लोड पै पे वो कितना होता है आपका पन्द्रह सौ मिली एम पी एक पॉइंट का सॉरी फ्रेंड्स वन पॉइंट फाइव एम का होता है वन पॉइंट सेवन एम का होता है और घट जाता है उसकी एम पी एर लोड पैपे घटेगी लोकल ट्रांसफर का दिक्कत है तो आप क्या करना है है तो आपको एकदम क्वालिटी एकदम एक नंबर चाहिए और क्या कीजिए आपका अगर दो एम का ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर है तो आप लोकल ट्रांसफॉर्मर लगाए तो आपको उसे दोगुना कर दिए अगर आपका दो है तो चार एम लगाई दिए अगर चार है तो आठ एम्पियर कर दीजिए अगर तीन है तो छः एम्पियर कर दीजिए आपकी क्वालिटी जो साउंड की क्वालिटी एकदम तो एक नंबर क्वालिटी है एकदम नहीं फट गई उसके बाद जो होता है नॉर्मल एम्प्लीफायर तो होम थिएटर का बात हो गया आपका नॉर्मल एम्प्लीफायर आप का आप इसकी जगह एस एम पप्लाई भी आराम से यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं इतने इतना एमपियर की अगर चार एमपियर के आपके पास एस एम पी सप्लाई है तो आराम से यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपके जैसे मान लीजिए कोई जैसे इस तरह की वाइट साइज में दिखाया एम्प्लीफायर वो उससे आप क्या लगाए मान लीजिए आपका एक बीस तीस आई का जो भी होम थिएटर या लोकल होम थिएटर तो बीस तीस जो लोकल आते हैं बीस तीस आपका लोकल होम थिएटर क्या कीजिए आप गूगल की पे जाइए उसका डेटा सीधे निकाल दिया मान लीजिए एक बीस तीस आई सी आपकी नाइन हंड्रेड मिली एम्पियर के लिए मिली एम्पियर एम्पियर नहीं मिली एम्पियर जानते हो एक हज़ार मिली एम्पियर पर एक एम्पियर होता है आपकी हो वो आपकी नौ हजार नौ सौ मिली एम्पियर की होगी तो आपको क्या करना है आपकी तीन आई सी है नौ सौ मिली एम्पियर की तो कितनी हुई नौ नौ इंटू तीन हुए आपका बाईस सौ मिली एम्पियर की हो गई आपकी सत्ताईस सौ तो मिली एम पी ए की होगी सत्ताईस हज़ार सॉरी तो आपको कितना टू पॉइंट सेवन एम हो गया आपका तो आप कितने एम पी ला सकते हैं आप आराम से थ्री पॉइंट फाइव एम से लेके फोर एम तक आराम से ला सकते हैं क्योंकि सौ वोल्ट आपकी जो ब्लूटूथ कार्ड होती है सौ मिली एम ब्लूटूथ कार्ड लेता है और कुछ इधर उधर कंपोनेंट लेता है वो हल्का फुल्का इधर उधर डाउन करते हैं जो करंट होता है तो आप आराम से तीन साढ़े तीन से लेकर चार एम तक आराम से आप लगा सकते हैं तो आपकी क्वालिटी एकदम एक नंबर होगी तो आप क्या कीजिए आप गूगल पर जाइए और जो भी आई है कोई बे एग्जाम्पल एक बीच आपकी आप बीस पचास हो सकती है बावन सौ हो सकती है जो भी होगी वो उसकी आप डेटा सीट निकालिए जितनी आईसी है, है उससे आप अथी कीजिए कितने एम की आई सी बैठरी है और सौ दो सौ मिली एम ऊपर कर लीजिए आपके आराम से लग जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या लेगी प्रिंट आइएगा और आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे इंस्टा पे अच्छी मैसेज कीजिए डीएम कीजिए या कमेंट कीजिए यूट्यूब पर मैं चौबीस घंटा के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा और तो आपको वीडियो पढ़ाए प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय जय हिंद